हेलो एवरीवन, हम लोग सेकेंड स्टैंडर्ड ऑनलाइन क्लासेस में हैं। आज हम लोग सीखेंगे मैथ्स। मैथ्स में स्टूडेंट्स हम लोग 14 चैप्टर वर्ड बुक सीखेंगे आज। 14 चैप्टर वर्ड बुक में क्या है? वर्ड्स कम, वर्ड्स गो, ये है आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1 जो एग्जांपल पे दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। क्या है एग्जाम्पल में? देयर आर 28 डक्स इन ए पॉन्ड, अनदर 19 डक्स कम टू द सेम पॉन्ड। हाउ मनी टोटल डक्स आर देयर इन द पॉन्ड नाउ? तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? स्टूडेंट्स देखो लिखा है टेक टेंस एज 10 एंड वंस एज 1। तो बॉक्स मतलब आपको 10 पकड़ना है, टेंस 10 और वंस मतलब ट्रायंगल, ठीक है। ऐसा करके आपको ये पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा क्लास के साथ। तो देखो 10 प्लेस हम लोगों ने पहले ही सीख लिया, 10 नंबर लेके 1 टेंस होता है और वंस छुट्टा जो बाकी पड़ा रहता है छुट्टा, उसको हम लोग वंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है? 28 से 19 को प्लस किया हम लोगों ने, जैसे प्लस करते हैं ऐसे ही प्लस, हम लोगों ने बहुत बार सीख लिया, प्लस करके कितना आंसर आया? 47। तो इसमें टेंस और आपको वंस में ड्रॉ करना है। तो एग्जांपल पे देखो कितना 28 मतलब कितना टेंस हुआ? 2 टेंस, इसीलिए दो बॉक्स है, टेंस का दो बॉक्स है, ओके। तो आप देखो स्टूडेंट्स 10 10, ओके 2 टेंस हो गया, अभी 8 छुट्टा, तो आपको ये 8 छुट्टा लिखा, ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। 1 9 19 मतलब 1 टेंस और 9 वंस जो ट्रायंगल पे आपको दिखाना पड़ेगा। तो कितना टोटल आया अभी? 1 2 3 4। 4 कैसे आएगा? क्योंकि नीचे 47 है लेकिन अपने पास टेंस कितना है? 3 टेंस है। तो 1 2 3, ये 1 2 और 3 नीचे आ गया, ठीक है। अभी और एक टेंस का ज़रूरी है क्योंकि इसमें 4 है आंसर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो छुट्टा है ये छुट्टा आपको काउंट करना पड़ेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेकर 1 टेंस हो गया, ये टेंस आ गया ये नीचे, ओके एरो दिया हुआ है। और छुट्टा जितना वंस पड़े हैं वो आ जाएगा ये ट्रायंगल में, ओके स्टूडेंट्स। जैसे इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आ गया आपका नीचे, ओके। ऐसा करके ये पूरा पेज आपको करना है। इसका पहले भी हम लोग कौन सा चैप्टर पे सीखा स्टूडेंट्स आपको याद है? ऐसा ही मैथ्स हम लोगों ने चैप्टर 12 पे सीखा था, जैसे उसमें बीट ड्रॉ करना था, आपको इसमें क्या ड्रॉ करना है? बॉक्स और ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ये डिफरेंस है, बाकी सेम टू सेम ही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 ये गया एग्जांपल, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? देयर आर 46 ऑयंस इन ए पॉन्ड, एक पॉन्ड में 46 ऑयन है, अनदर 70 ऑयंस कम टू द सेम पॉन्ड। वही एक ही पॉन्ड में और 17 ऑयंस आया। हाउ मनी टोटल सॉयंस आर देयर इन द पॉन्ड नाउ? अभी वो पॉन्ड में कितना सॉयन है? देखो 46 था और भी 17 आ गया, तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा जब होता है तब क्या होता है? प्लस होता है, इसीलिए प्लस किया हुआ है, ऐसा बॉक्स किया हुआ, आपको प्लस करना पड़ेगा। 7 से लेकर 6 नंबर तक काउंट करो, 7 8 9 10 11 12, तो 7 का बाद वाला नंबर से आपको काउंट करना है। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 का 3 आया और 1 चला गया ऊपर। अभी 1 से 4 नंबर तक काउंट करो, 1 के बाद 2 3 4 5 और जो ऊपर 1 है उसको लेके 6, मतलब क्या हो गया? 6 3 63। देखो 6 3 63, अभी ये आपको ड्रॉ करके दिखाना है। ऊपर 46 है तो आपको 46 टेंस और वंस पे दिखाना पड़ेगा, तो 40 में कितना टेंस बनेगा? 4 टेंस बना, छुट्टा कितना रहेगा? ये 6। नीचे 17 मतलब 1 टेंस, ये 1 टेंस और छुट्टा कितना आया? 7, ओके।
अभी 63 आंसर आपको ये नीचे दिखाना है, तो ऊपर कितना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नीचे आ गया। और भी एक चाहिए क्योंकि 6 है, 6 टेंस है, तो आपको क्या करना है, टेंस से आपको जो वंस है, वंस में वंस से आपको टेंस बनाना पड़ेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेकर 1 टेंस बन जाता है, ये टेंस बन गया। ये जो वंस था इसको आपको ऐसा 10 नंबर लेकर आपको सर्किल कर देना है और ये टेंस आ जाएगा नीचे। ओके, और छुट्टा कितना बची है, 1 2 3, तो हो गया अपना 1 2 3 4 5 10 6 6 टेंस और 3 वंस। और जब आप ऐसे राउंड बनाओगे छुट्टा को, जब आप टेंस में करोगे तब आपको ऐसे एरो करके दिखा देना है, जैसे मैंने कर दिया, देखो ऐसा करके आपको दिखा देना है ये टेंस इधर आया, मतलब ये वंस था, इसको हम लोगों ने टेंस बनाया, फिर ये टेंस नीचे आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 48 स्ट्रोक्स इन ए रिवर। देयर आर 58 स्ट्रोक्स इन ए रिवर, 25 डग्स कम टू द सेम रिवर। एक रिवर में 58 स्ट्रोक्स था, वही रिवर में 25 डग्स आया, हाउ मैनी टोटल बार्ड्स आर देयर इन द रिवर। अभी टोटल कितना बार्ड्स है, मतलब आपको स्ट्रोक्स नहीं मांगा है, आपको ड्राक नहीं मांगा है, सिर्फ बोल रहा है टोटल कितना बार्ड्स है। ठीक है, तो आपको जब टोटल बार्ड्स बोलेगा तब क्या होगा, डेफिनेटली प्लस हो जाएगा। जैसे ही प्लस है, 58 प्लस 25 प्लस करके आंसर आया 83। जैसे ही हम लोगों ने सीखा 58 मतलब कितना टेंस बनेगा, 5 टेंस और 8 वंस। ओके, आपको ऐसे ट्राइंगल में दिखाना पड़ेगा। 25 मतलब 2 टेंस, 5 वंस, तो नीचे भी 8 टेंस और 3 वंस आना चाहिए। तो इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो आपको क्या करना है, छुट्टा जो है वंस जो है उसको टेंस बना लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टेंस, ये 10 लेकर हम लोगों ने एक टेंस बना लिया है, टेंस वंस लेकर हम लोगों ने टेंस बना लिया, तो ये टेंस आ गया आपका नीचे। ओके, हो गया 8 टेंस, और कितना वंस पड़े हैं, 1 1 2 3, ये 3 टेंस आ गया, वंस आ गया नीचे। तो टोटल में कितना हो गया स्टूडेंट्स, 8 टेंस 3 वंस। ओके, ऐसा करके ही करना है, और आपको ऐसा एरो दिखा देना है, जो ये एरो मतलब ये वंस जो था वंस को हम लोगों ने टेंस में बदल दिया और ये टेंस आ गया ये नीचे। ओके, ऐसा करके आपको करना है। अभी नेक्स्ट पेज, अभी स्टूडेंट नेक्स्ट पेज में क्या है, 3 नंबर, देयर आर 34 क्रेन्स इन ए पॉन्ड, 27 स्वैंस कम टू द सेम पॉन्ड। एक पॉन्ड में 34 क्रेन्स था, वही पॉन्ड में 27 स्वैंस आया, हाउ मेनी टोटल बर्ड्स आर देयर इन द पॉन्ड। तो अभी वो पॉन्ड में कितना टोटल स्वैंस बर्ड्स है। ओके, तो इसमें मैं आपको पहले ही सिखाया था, जब टोटल मांगे तो आपको क्या करना है, इतना क्रेन्स था और भी स्वैंस आया, तो कितना हो गया, ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए प्लस आया, तो आपको प्लस करना है 34 प्लस 27, जिसके आंसर आ जाएगा 61। इसमें टेंस और वंस में लिखना है, टेंस वंस में लिखना है, नीचे 6 है तो आपको क्या करना है, 6 1 2 3 4 5 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 है, तो आपको और भी एक हम लोगों को टेंस चाहिए, तो ये इसमें से आपको एक टेंस बना लेना पड़ेगा, जो टेंस आ गया ये नीचे, आपको एरो दिखा देना है, और ये वंस जो है ये वंस आ गया नीचे, तो टोटल में क्या हो गया, 6 1 61 कम्प्लीट। ओके, तो बॉक्स के अंदर स्टूडेंट्स आप 10 10 लिख सकते हो, और छुट्टा जो ट्राइंगल आपने बनाया है ये 1 1 1 करके आप दिखा देना। ओके, अभी नेक्स्ट नंबर ऐड करना है आपको, ऐड में 58 प्लस 27, जैसे हम लोग काउंट करते हैं 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 15 का 5 आया, 1 गया ऊपर, तो 2 के बाद 3 4 5 6 7, और ऊपर का 1 कितना हो गया, 8, टोटल कितना हो गया, 8 5 85। नेक्स्ट नंबर 74 प्लस 17, 7 के बाद वाला नंबर से आपको काउंट करना है, 7 के बाद 8 9 10 11 का 1 आया और 1 गया ऊपर,
तो वन से अभी सेवन काउंट करना है, वन के बाद टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और ऊपर का वन कितना हो गया, नाइन, 9191। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग प्लस बहुत चैप्टर पे सीखे हैं, बहुत बार कर चुके हैं, ये आप अच्छे से करोगे, खुद करोगे, ये आपका होमवर्क है। ओके, आप पहले करोगे, फिर उसके बाद आप वीडियो जो पेज आप देख पा रहे हो इसके साथ एक बार मैच कर लेना, फिर आप पहले करोगे, कोशिश करो। ठीक है, मैं आपको दो तीन समझा देती हूँ फिर से। तो अभी 64 प्लस 19, 9 के बाद वाला नंबर से काउंट करना है, 9 के बाद 10 11 12 13, 13 का 3 आया, 1 गया ऊपर, 1 के बाद 2 3 4 5 6 7, 7 और ऊपर का 1 आपको काउंट करना है, 8, तो कितना हो गया, 8 3 83। ऐसा करके नेक्स्ट नंबर 9 के बाद 10 11 12 13 का 3 आया, 1 गया ऊपर, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 और ऊपर 1 कितना हो गया, 1 2 12, 123। ओके, ऐसा करके आपको ये पूरा बॉक्स कंप्लीट करना है। ठीक है, आप देख ही पा रहे हो वीडियो में, आप पहले कोशिश कर लेना, फिर उसके बाद जो पेज आप देख पा रहे हो इसके साथ आप मैच कर लेना। ओके, ये आपका होमवर्क है। अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज, अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्वला प्रॉब्लम सीखेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सबस्ट्रैक है, सबस्ट्रैक्ट सीखेंगे। तो एग्जाम्पल में क्या है, देयर आर 62 डक्स इन ए पॉन्ड, एक पॉन्ड में 62 डक्स हैं, आउट ऑफ दोस 29 डक्स लेफ्ट द पॉन्ड, मतलब 29 डक्स दूसरा पॉन्ड में चले गए, हाउ मेनी डक्स आर रिमेनिंग इन द पॉन्ड नाउ, अभी वो पॉन्ड में कितना डक्स हैं, 62 डक्स था उसमें से 29 चले गए, मतलब कम हो गया, जब कम हो जाता है तब क्या हो जाता है, सबस्ट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए 62 से 29 को सबस्ट्रैक्ट करना है, जिसके आंसर आया है 33। तो अभी 33 को आपको टेंस और वंस में ड्रॉ करके दिखाना है, तो 60 से 20 सबस्ट्रैक्ट होगा, जैसे 60 पहले आप ड्रॉ करना, 1 10 10 10 10 10, 6 टेंस ड्रॉ हो गया, नीचे 2 टेंस ड्रॉ हो गया, फिर 6 टेंस कितना वंस, 2 वंस, 2 वंस इधर ड्रॉ हो गया ट्राइंगल में, और 20 में से 20 ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने, अभी वंस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये वाला मैं आपको बाद में समझाती हूँ। तो अभी क्या, हम लोग 12th चैप्टर में जैसे सीखे थे टेंस के साथ टेंस कट करना है, फिर वंस कट करना है, ऐसा सीखे थे ना, तो आपको क्या करना है देखो, तो 60 से अभी 20 सबस्ट्रैक्ट होगा, तो आप 10 10 20 सबस्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अभी टेंस को कट करने के बाद आपको तुरंत चला जाना पड़ेगा वंस कट करने के लिए, तो अभी इसका 62 ये 2 वंस है, ये 2 वंस है, और 29 का ये वंस है, तो एक 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 कट हो गया, अभी भी इतना सारा बाकी है कट करना, तो मैं किससे कट करूँ, काटने करने के लिए तो ये वाला जगह है नहीं कुछ, क्योंकि 60 तो ले लिया, 62 का 2 ही वंस है, और 29 का इतना सारे वंस है, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, दो कट हो गया, तो 7 अभी मैं किसके साथ कट करूँगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये जो टेंस है ये टेंस आपको वंस में बदल लेना पड़ेगा। ओके, तो टेंस को हम लोग वंस पे बदल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ट्राइंगल आप ड्रॉ कर लोगे, मतलब ये टेंस वंस में बदल रहा है। ठीक है, तो जो बाकी पड़े हैं, 2 तो काट हो गया था, देखो ये दो के साथ काट हो गया था, ये बचे हैं। ठीक है, तो अभी इसके साथ ये 2 3 4 5 6 7 कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये टेंस को हम लोग वंस पे बदल दिया, 7 हो गया, तो अभी ये टेंस जो है ये टेंस और टेंस नहीं रहा, ये वंस हो गया, इसीलिए इसको आपको कट कर देना है। ठीक है, ऐसे एक ही दाढ़ी खींचना है, लाइन खींचना है। ओके, तो अभी कितना हो गया, 1 2 3, ये 3 टेंस नीचे आ गए, और छुट्टा कितना पड़े हैं देखो, 1 2 3, मतलब 3 वंस, ये 3 वंस नीचे आ गए, हो गया 3 3 33 आंसर के साथ मैच। ओके, तो ये आपको एरो करके दिखाना है, जो मतलब इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, मतलब आप टीचर्स को समझा रहे हो ये जो टेंस था ये वंस में बदल गए। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, और एक दो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर वन, देयर आर 56 सॉयल्स इन ए पॉन्ड, एक पॉन्ड में 56 सॉयल है, आउट ऑफ दोस 37 सॉयल्स लेफ्ट द पॉन्ड, इससे 37 सॉयल चले गए दूसरे पॉन्ड में, हाउ मेनी सॉयल्स आर रिमेनिंग इन द पॉन्ड नाउ, अभी वो पॉन्ड में कितना सॉयल्स है, आप सोचो क्या होगा, प्लस क्या माइनस, राइट सब्सट्रैक्ट होगा, क्योंकि 56 सॉयल है उसमें से 37 चले गए तो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट, तो 56 और 37 हमेशा हमें आपको पहले सिखाया सब्सट्रैक्ट में हमेशा बड़ा नंबर ऊपर जाएगा, तो 56 ऊपर 37 नीचे इसीलिए है, तो सब्सट्रैक्ट करो, सब्सट्रैक्ट ऐसे करते हो 6 से 7 तो नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना है, 5 से 1 टेंस उधर लेना है, 1 टेंस, ठीक है, ए 6 चला गया ऊपर, ए भी कर सकते हो, नहीं तो एकदम टोटल 10 जैसे ऊपर है इसमें है देखो 10 पकड़ लिया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको 10 पकड़ सकते हो, 10 और ये 6 कितना हो गया 16, तो 7 से आप 16 काउंट करो, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 9 नंबर पे 16 आया, ओके, एक 10 उधर ले लिया तो 4 हो गया, तो 3 से 4, 3 के बाद 4, 1 नंबर, तो हो गया 1919, ओके, अभी देखो स्टूडेंट्स, सब्सट्रैक्शन तो हम लोगों ने कर लिया, अभी इसको टेंस और वंस पे आपको दिखाना है, 56 मतलब 5 टेंस 6 वंस हो गया, 37 3 टेंस 7 वंस, इसके बाद हम लोगों ने क्या, अभी मैं आपको क्या बोला, टेंस को अभी कट करना है, ओके, तो 50 से 30 सब्सट्रैक्ट होगा, 10 10 20 10 30, अभी 2 टेंस बचे हैं, ठीक है, थीके? फिर जब टेंस कंप्लीट हो जाएगा, काट हो जाएगा, आप तुरंत आ जाओगे वंस में, तो वंस में एक एक कट के हम कट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन एक वंस बचे हैं, क्योंकि ऊपर 6 है नीचे 7 है, 56 का 6 वंस है, 37 का 7 वंस है, तो एक बचे हैं, तो इसके एक जो वंस बचे हैं इसके साथ हम लोगों ने, वंस के साथ हम लोग कैसे करते, कैसे काट करेंगे, तो वंस बचे नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये टेंस को आपको, ये जो टेंस है इसमें, ये टेंस को आपको वंस में बदलना पड़ेगा, वंस मतलब 10 आप ड्रॉ कर लोगे, ओके, ट्रायंगल, फिर ये जो बचे है इसके साथ ये काट हो गया, ठीक है, और ये टेंस जो है, ये टेंस टेंस नहीं रहा, ये अभी वंस हो गया, इसीलिए इसको आपको काट कर देना है, ओके, तो कितना हो गया, देखो ये जो वंस है ये नीचे आ गए, ओके, अभी ऊपर कितना बचे है, वंस 9 बचे हैं, जैसे एक कट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वंस आ गया नीचे, समझ में आ गया, फिर से देखो एक बार, पहले 3 3 3 टेंस काट किया मैंने, 5 से 30 कट्स किया, फिर ये छुट्टे के साथ ये छुट्टे कट किया, बची है एक छुट्टा, ये छुट्टा ऊपर तो है नहीं, तो आपको ये टेंस को वंस में बदलना पड़ेगा, ये वंस के साथ अभी जो बदला अपने वंस में बदला इसके साथ ये काट हो गया, ठीक है, और ये टेंस टेंस नहीं रहा इसीलिए इसको क्रॉस कर देना है, काट कर देना, टिक मार्क आप नहीं करोगे, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, और ये जो ऊपर है वंस, ये वंस आ जाएगा नीचे, और एक वंस, सॉरी ये टेंस जो है ये आ जा, सॉरी सॉरी, ये वंस आ जाएगा नीचे और ये टेंस आ जाएगा नीचे, तो हो गया 1 10 1 10 9 1, ओके, अभी नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 48 स्ट्रोक्स आर 26 डक्स इन ए रिवर, हाउ मेनी मोर स्ट्रोक्स आर देयर इन द रिवर एज कंपेयर टू द डक्स, तो एक रिवर में 48 स्ट्रोक्स है और 26 डक्स है, हाउ मेनी मोर स्ट्रोक्स आर देयर इन द रिवर एज कंपेयर टू द डक्स, तो कितना ज़्यादा स्ट्रोक्स है डक से ज़्यादा, कितना स्ट्रोक्स ज़्यादा है, एक पॉन्ड में 48 स्ट्रोक्स है 26 डक्स है, तो डक से कितना ज़्यादा स्ट्रोक्स है,
तो आपको पहले ही भी सिखाया, जब कंपेयर होगा, जब तुलना होगा एक के साथ दूसरे का, तब क्या हो जाता है, सबस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसीलिए सबस्ट्रैक्ट है। सबस्ट्रैक्ट आप बहुत बार मैं से आपको सिखा दिया, सबस्ट्रैक्ट आप कर लोगे। 48 से 26 सबस्ट्रैक्ट कर लेके 22 आता है। 40 टेंस, 4 टेंस और 8 वंस, 2 टेंस, 6 वंस आप ड्रॉ कर लोगे। फिर टेंस ड्रॉ करने के बाद आपको काट करना पड़ेगा। जैसे 40 से 20 सबस्ट्रैक्ट हुआ, 20 सबस्ट्रैक्ट हो गया। फिर टेंस सबस्ट्रैक्ट करने के बाद आपको 1 को काट करना पड़ेगा, 1s को। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 काट हो गया। तो बची कौन, 2 टेंस 2 वंस। ये बहुत ईजी है। 2 टेंस नीचे आ गया, 2 वंस नीचे आ गया। ओके, नेक्स्ट देयर आर 35 प्रिंट्स एंड 17 सॉयंस इन ए पॉन्ड। एक पॉन्ड में 35 प्रिंट्स और 17 सॉयंस है। हाउ मेनी ले सॉयंस आर देयर इन द पॉन्ड एज कम्पेयर टू प्रिंट। मतलब हाउ मेनी ले सॉयंस आर देयर इन द पॉन्ड एज कम्पेयर टू किन्स। किन से कितना कम है सॉयंस, तो जब कंपेयर होगा तब सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। 35 से 17 को सब्सट्रैक्ट कर लेना है, इसका आंसर आएगा 18। अभी 35 3 टेंस 5 वंस बना लोगे, 3 टेंस ये 5 वंस बना लोगे, 1 टेंस और ये 7 वंस बना लोगे। 30 से 10 सब्सट्रैक्ट होगा, एक एक काट हो गया। फिर इसके साथ 5 के साथ अभी 7 को काट करना है, ठीक है। 7 के साथ 5 को काट करना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 काट हो गया, ठीक है। अभी भी 2 बची है, ये 2 जो बचे हैं इसके साथ मैं किसको काट करूँ, काट करने के लिए कोई है नहीं छुट्टा। तो आपको ये टेंस को तब आपको वंस में बदल लेना पड़ेगा। 10 वंस आप ड्रॉ कर लोगे। ड्रॉ करने के बाद ये जो बचे हैं इसके साथ काट होता रहेगा। ओके, काट हो गया। तो कितना बचे हैं अभी देखो, ये 10 to 1s में बदल गया। ये आपको एरो देकर दिखाना है। ओके, ये 10s आ गया, ये 10s आ गया, ये नीचे, और ये जो 1s बचे हैं ये 1s आ गया नीचे। हो गया 1 10s 8 1s। ओके, अभी नेक्स्ट पेज पे सबस्ट्रैक्ट है। आपको सबस्ट्रैक्ट करना है, जैसे 51 से 26 जाएगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक उधर 10s उधर लेना पड़ेगा। 5 से 10s एक उधर ले लिया और ये 1 चला गया ऊपर। अब ऐसे कट कर दोगे, 6 से अभी 11 काउंट करो, 6 के बाद 7 8 9 10 11 5 हो गया। और 5 से एक 10s आपने उधर ले लिया तो कितना हो जाएगा, 4। तो अभी 4 लिखने के बाद 5 को काट कर दोगे। अभी 4 से 2 सब्सट्रैक्ट करो, 2 के बाद 3 4 2, कितना हो गया, 2 5 25। नेक्स्ट 72 से 36 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो आपको क्या करना है, 7 से 8 टेंस आपको उधर ले लेना है। 8 2 चला गया ऊपर, 2 को आप काट कर दो। फिर 6 के बाद 7 8 9 10 11 5, 7 से 1 टेंस उधर ले लिया था तब आपने, तो कितना टेंस पड़ा रहेगा, 6। तो 7 को काट कर दो, 6 से अभी 3 को सब्सट्रैक्ट करो, 3 के बाद 4 5 6, कितना हो गया, 3। ये वाला मैथ सबको फिर से एक बार समझा देती हूँ स्टूडेंट। 72 से 36 को सब्सट्रैक्ट करना है, 7 से 1 टेंस आपने उधर ले लिया, ये 2 चला गया ऊपर, 2 को काट करना है। अभी 12 के साथ 6 को सब्सट्रैक्ट करना, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12, 6 आया। ओके, 6 आया है। फिर आपने 1 टेंस उधर ले लिया था तो 6 चला गया ऊपर। अभी 6 से 3 को सब्सट्रैक्ट करना है, 3 के बाद 4 5 6, 3 आ गया। तो कितना हो गया, 3 6 36, ठीक है। ऐसा करके पूरा कंप्लीट कर लेना है। इसके पहले वो सब्सट्रैक्ट का वीडियो मैं आपको भेजा।
तो एक बार देख लेना है और आप खुद करोगे, कोशिश करोगे बुक्स में, ओके, फिर आप चेक कर लोगे बुक के साथ आपका आंसर मैच हुआ के नहीं, ठीक है। तो आप वीडियो पे देख ही पा रहे हो, मैं आंसर लिख कर दिया है, लिख कर दी, फिर आप आंसर एक बार चेक कर लोगे, ओके। स्टेप सब्सट्रैक्ट का जो वीडियो देख दिया मैं आपको इसका पहले, तो वाला वीडियो एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैं और एक आपको समझा देती हूँ। 64 से 19 को सब्सट्रैक्ट करना है, 4 से 9 जाएगा नहीं, तो आपको क्या करना है, 6 से 1 10 सुधार ले लेना पड़ेगा और ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो 4 को काट कर देना है। 9 के बाद 10 11 12 13 14 5 6 से 10 सुधार ले लिया था तो 5 टेंस आ जाएगा, क्योंकि एक उधर ले लिया था, 6 को काट कर देना है। अभी 5 से 1 सब्सट्रैक्ट हुआ होगा, 1 के बाद 2 3 4 5 4, तो हो गया 4 5 45। ऐसा करके पूरा सेम टू सेम ही है, ऐसा करके आपको ये पूरा बुक्स कंप्लीट कर लेना है, ओके। अभी नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में स्टूडेंट्स क्या है, नेक्स्ट पेज में सॉल्व द प्रॉब्लम्स है, आपको पढ़ कर तैर करना है प्लस होगा क्या माइनस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, विराट कोहली स्कोर 69 रन्स एंड रोहित शर्मा स्कोर 26 रन्स इन ए मैच। एक मैच में विराट कोहली का स्कोर है 69 और रोहित शर्मा का स्कोर है 26, हाउ मेनी रन्स डिड दे स्कोर ऑल टुगेदर, अभी दोनों का टोटल कितना स्कोर है। तो जब भी टोटल बोलेगा, दोनों का स्कोर बोला है तो टोटल करोगे तो ज़्यादा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 69 प्लस 26, 69 प्लस 26 कितना आता है, होता है 95, ओके। तो आप क्या लिखोगे, 95, ये देखो लिखा है 95 रन्स दे, 95 रन्स दे स्कोर ऑल टुगेदर, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2, मीना सोल 38 बैग्स इन ए फायर, सी सोल 17 बैग्स ऑन द अदर डे, हाउ मेनी टोटल बैग्स डिड द सेल ऑन द बोथ ऑफ द डेज। मीना सोल 38 बैग्स इन ए फेयर, सी सोल 17 बैग्स ऑन द अदर डे, हाउ मेनी टोटल बैग्स डिड द सेल ऑन बोथ ऑफ द डे। तो देख क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें भी प्लस हो जाएगा, 38 के साथ 17 प्लस हो जाएगा, आंसर होगा 55। क्या लिखोगे, 55 बैग्स सी सेल ऑन बोथ द डे, ओके। अभी नेक्स्ट नंबर, देयर आर 43 फ्लावर्स ऑफ रोज इन ए गार्डन, आउट ऑफ दोज गार्डनर पुल 14 फ्लावर्स, एक गार्डन पे 43 फ्लावर्स रोज था, एक गार्डन रोज का फ्लावर था, आउट ऑफ दोज गार्डनर पुल 14 फ्लावर्स, जो गार्डनर है उन्होंने 14 फ्लावर्स तोड़ लिया, हाउ मेनी फ्लावर्स ऑफ रोज आर लेफ्ट इन द गार्डन नाउ। अभी वो गार्डन पे कितना टोटल फ्लावर्स है, 43 था उसमें से 14 चला गया, तो क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट, 43 से 14 को आपको सब्सट्रैक्ट करना है, तो आंसर आ जाएगा 29, ओके। तो क्या लिखोगे, नाउ 29 फ्लावर्स ऑफ रोज आर लेफ्ट इन द गार्डन, अभी गार्डन पे 29 रोज है, समझ में आया स्टूडेंट्स। देयर आर 43 फ्लावर्स ऑफ रोज इन ए गार्डन, एक गार्डन पे 43 रोज है, आउट ऑफ दोज गार्डनर पुल 14 फ्लावर्स, गार्डनर ने 14 फ्लावर्स तोड़ लिया, हाउ मनी फ्लावर्स ऑफ रोज आर लेफ्ट इन द गार्डनर गार्डन नाउ, अभी गार्डन पे और कितना फ्लावर्स है, इतना था तो कम हो गया, तो क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट, ओके, समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4, नेहा इज 22 ईयर्स ओल्ड, नेहा का उम्र 22 ईयर्स है, हर मदर इज़ 51 ईयर्स ओल्ड, उसका मम्मी का उम्र है 51 ईयर्स,
हाउ मनी ईयर्स ओल्डर इज नेहा'स मदर देन हर। अभी नेहा का मम्मी नेहा से कितना उम्र बड़ी है, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का कंपेयर कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 51 से 22 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा जिसका आंसर आ जाएगा 29। तो आप क्या लिखोगे, 29 ईयर्स ओल्डर इज नेहा'स मदर देन हर, नेहा से 29 ईयर्स बड़ी है उसका मम्मी। क्वेश्चन नंबर 5, देयर वेयर 73 शिप्स विद ए स्टूडेंट्स नेक्स्ट नंबर देयर वेयर 73 शिप विद ए शिप केयर, आउट ऑफ दोज ही सोल्ड 44 शिप, हाउ मनी शिप आर लेफ्ट विद हिम नाउ। शिप यार्ड के पास, मतलब जो शिप बेचते हैं उसके पास चढ़ाते हैं, उसके पास 73 शिप है, उसमें से 44 शिप उन्होंने बेच दिया, तो अभी उनके पास टोटल कितना शिप है। 5 नंबर स्टूडेंट्स क्या हुआ, देयर आर 73 शिप विद ए शिप यार्ड, आउट ऑफ दोज ही सोल्ड 44 शिप, हाउ मेनी शिप आर लेफ्ट विद हिम नाउ। तो चरवाड़े के पास 73 शिप था, उन्होंने 44 शिप बेच दिया, तो अभी उसके पास कितना शिप है, तो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट, 73 से 44 को सब्सट्रैक्ट करना है, 73 से 44 को आपको सब्सट्रैक्ट करना है, जिसका आंसर आएगा 29। तो क्या लिखोगे, अभी आप नाउ 29 शिप लेफ्ट हुई थी, अभी उनके पास 29 शिप है। तो स्टूडेंट्स अब अच्छे से सॉल्व द प्रॉब्लम्स देखो, समझो, आपको एक बार समझ में नहीं आएगा तो आप और एक बार वीडियो देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज पार्ट 1 इतना तक ही कंप्लीट करते हैं हम लोग, अभी जो नेक्स्ट पेज से बाकी है वो हम लोग पार्ट 2 से, 2 का जो वीडियो मैं आपको दूंगी उसमें रहेगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।